हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से लेस कट और फुल घेरे वाली फ्रॉक की कटिंग बताऊंगी। इस फ्रॉक सूट के लिए मैंने लगभग 3.5 से 4 मीटर का कपड़ा ली हूँ, तो मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये 4 पल्ले में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। ये रहा फ्रेंड्स, ये 4 पल्ले में फोल्ड किया हुआ है। अब मैं आपको इसे नाप कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 4 मीटर से भी थोड़ा सा ही कम है। मैं इतने से कपड़े में ही आपको फुल घेरे वाली फ्रॉक सूट की कटिंग बताऊंगी। इसे हम पूरे तरीके से ओपन कर लेते हैं और एक साइड से हम इसे फोल्ड करते हुए कर लेते हैं। अब मैं कुछ मेजरमेंट्स आपको दिखाऊंगी। ये हमारी फ्रॉक सूट की मेजरमेंट है। लेंथ 45 इंचेस, चेस्ट 31, वेस्ट 26। ऊपर बॉडी का लेंथ हम 14 इंच ले लेंगे, तो हम ऊपर से 14 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस पार्ट को हम बिल्कुल काट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम इसे खोल लेते हैं। इससे हम बैक साइड के बॉडी की कटिंग कर लेंगे, जिसकी मदद से फिर हम आगे साइड की प्रिंसेस कट वाले की बॉडी की कटिंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 31 है और वेस्ट 26 और शोल्डर 14 इंचेस है। अब यहाँ पर एक पार्ट के बॉडी की कटिंग के लिए कितने कपड़े चाहिए तो मैं वो बताऊँगी। तो हमारा चेस्ट 31 है, तो हम लगभग 10 इंचेस पे लेकर मार्क कर लेते हैं। अब इसी मार्क को लेकर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारे बॉडी की कटिंग के लिए ये कपड़े मैक्सिमम होगी। हम अब ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब बॉडी की जो लेंथ है वो 11.5 इंचेस है, तो हम ऊपर मार्क से 11.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और इस पर भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आप अपने बॉडी के लेंथ थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, जैसे 13 इंचेस, 12 इंचेस। अब हम शोल्डर ले लेंगे 6.5 इंचेस। इस पर एक मार्क कर लेंगे और आर्म होल 6 इंचेस। आर्म होल कर लेकर मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसे वहां से देख सकते हो। अब इस मार्क पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हमारा 31 है, उसमें 3 इंचेस जोड़कर हमारा 34 हुआ, तो हम इसका जो एक साइड है वो वन साइडेड का 8.5 इंचेस लेकर उस पर मार्क लगा लेते हैं। चेस्ट हमारा 8.5 इंचेस, वेस्ट हमारा 7.5 इंचेस। ये हमारा लूज देने के बाद का माप है। अब इन दोनों मार्क पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंचेस पे हम एक मार्क लगाकर और आर्म होल के लिए गोलाई करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इंचेस का मार्जिन लेकर हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम ऊपर की तरफ तिरछी करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जब भी हमारे कपड़े पे लगे तो हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आए।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो और खूबसूरत कुर्तीज़ नेक डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। अब मैं 1 इंचेस का मार्क लेकर एक मार्क कर लेती हूँ, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस 1 इंचेस का जो नाज है वो आपको बाद में पता चले कि मैंने यहाँ पे 1 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों लिया है। अब जो हमारी बैक साइड की बॉडी की कटिंग मैंने पहले की थी, हम उस लाइन पे जो हमने एक मार्क को छोड़कर लगाया है उससे बराबर करते हुए इसको अच्छे से बिठा लेंगे। नीचे के साइड से हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब इस मार्क से हम इसे ऊपर की तरफ मिला लेंगे। आप देख सकते हो मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली आपको दिखाया है। अब हम इसी के नाप से बिल्कुल बराबर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाले को भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम ऊपर जो हमारा बॉडी का पार्ट था उसे हम हटा लेते हैं और 9.5 इंचेस पे ऊपर की तरफ से एक मार्क कर लेंगे। अब साइड से हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे, एक नीचे के साइड पे करेंगे और एक जो हमने पहले मार्क किया था उस पे करेंगे। अब 4 इंच को हम आर्म होल के पास से लेकर एक मार्क कर लेंगे। हम आर्म होल में ऊपर की तरफ से 4 इंचेस लेकर मार्क करेंगे। अब नीचे को लाइन को हम जो हमने 2 डॉट लगाया उसे आपस में मिला लेंगे। अब इस लाइन से हम जो ऊपर आर्म होल की तरफ मार्क किया है उस मार्क तक राउंड करते हुए इसे मिला लेंगे। आप देख सकते हो मैंने वीडियो में बहुत ही साफ साफ आपको दिखाया कि हमें किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। आप ये राउंड वाले स्केल की भी मदद ले सकते हो जो आर्म होल के लिए या फिर राउंड जगह यूज़ करने के लिए किया जाता है। अब नीचे से हम टक्स के लिए 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब इस कॉर्नर से हम इस टक्स को मिला लेंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट है जो कि हमारा प्रिंसेस कट में किया जाता है, इससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। हम गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई के लिए हम 4 इंचेस लेंगे क्योंकि ये हमारी बोट नेक है, तो बोट नेक की जो चौड़ाई होती है वो 4 इंचेस होती है और उसकी हम लंबाई ले लेंगे 3.5 इंचेस। तो हम 3.5 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं और अब हम इस पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, अब इस पर हम बोट नेक ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग को सब्सक्राइब करें। ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसके आर्म होल को थोड़ा हम डीप कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड कि हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, किस पार्ट को किस साइड से हम कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम इसे 2 पार्ट में कट करेंगे। तो ये हमने जो सबसे फर्स्ट में जो 1 इंचेस का मार्जिन लिया था वो इसीलिए लिया था क्योंकि जो हमारी ये 2 पार्ट में कट हो रही है वो जब आपस में जुड़ेगी तो हमें सिलाई के लिए तो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए ना, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लिया था ताकि जब ये हमारा आपस में जुड़े हमें सिलाई के कपड़े डालने पर ये फिटिंग हमारी कम ना हो। अब ये टक्स पॉइंट को हम कट करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे
फिट होगा फ्रेंड। ये रही हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग। अभी हमारी ऊपर की बॉडी की कटिंग हो चुकी है। दोनों बॉडी हमने आपके सामने लाकर रख दिया है। आप देख सकते हो इसे, इसकी कटिंग कितनी आसान है और कितनी परफेक्ट है। अब पीछे वाले पार्ट पे भी हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और लंबाई के लिए 3.5 इंचेस पे, और इस पे हम बोट नेक ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड पे किया था बिल्कुल उसी तरीके से ये फ्रेंड कट हो चुकी है। ये अब हम फ्रॉक सूट के नीचे वाले पार्ट के लिए कट करेंगे, जिसे मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब देख सकते हो मैंने इसे किस तरीके से फोल्ड किया है। अब ये हमारा बैक पार्ट वाला बॉडी है, जिसकी हम कमर नाप लेते हैं। ये हमारी 9.5 इंचेस है, तो इस कॉर्नर पे भी हम 9.5 इंचेस जहाँ पे हमारा हो रहा है वहाँ पे हम इसे कट करेंगे, मार्क करेंगे बट हम इसमें थोड़ा अब हम ऊपर से नाप लेते हैं कि हमारा जो मार्क है वो कहाँ पे, तो 13 इंच पे है। तो हम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 13 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो अब हमारे सारे मार्क को हम मिला लेंगे हल्का सा राउंड करते हुए। ये देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बॉडी रख कर नाप कर दिखाती हूँ कि हमारी परफेक्ट लाइनिंग हो चुकी है। अब ऊपर बॉडी के साइड से हम पूरा लेंथ नाप लेंगे। हमारी जो लेंथ है वो 35 इंचेस है, तो ऊपर से हम नापते हुए नीचे जहाँ पे हमारी 45 इंचेस हो रही है हम वहाँ पे मार्क लगा लेंगे, और हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी 45 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे। हम ऊपर की साइड से बिल्कुल कॉर्नर से हम इसे मार्क करेंगे, नापेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कुछ दूरी पर मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को हम आपस में मिला लेंगे। हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारी सारी गोलाई आ जा रही है, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी गोलाई में कपड़ा कम पड़ जाती हो तो आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट कर सकते हो, उसमें लगा सकते हो। इससे आपका घेरा बढ़ जाएगा और देख सकते हो ये घेरा कितना खूबसूरत बना है और काफ़ी फुल घेरा बना है। मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखा दिया है कि हमारा फुल घेरा का फ्रॉक का कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। जो हमारी स्लीव्स है उसकी लेंथ 20 इंचीज है, मोहरी 7 और 10 इंचेज है। चलिए अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, यानी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो 20 इंचेज है, तो हम 22 पे इसे कट कर लेते हैं। ये मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ था फ्रेंड्स, तो हम इसे 2 बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, बराबर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 1.5 इंचेस पे एक मार्क लगा लेते हैं, उस पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी बाजू की मोहरी के लिए है, जिसे हम मोड़कर सिलाई करेंगे। अब हम इसकी जो लेंथ है 20 इंचेस, हम 20 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे। अब
अब इस पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री इंचेस लेकर हम नीचे की तरफ से 3 इंचेस पे भी एक मार्क लगाएंगे। अब इस पर हम 2 इंचेस पे हम एक मार्क लगा लेंगे। अब जो हमारा बॉडी है उससे हम जो हमारा आर्म होल है उससे इस पार्ट को हम नाप लेंगे। हमने जहाँ से मार्क लगाया है और इस मार्क तक इसे हम नाप लेते हैं और उस पर एक मार्क लगा लेते हैं। अब इसे राउंड करते हुए हम इस मार्क से मिला लेंगे। हमारी जो मोहरी है वो हमारी 7 इंचेस थी तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंचेस। तो 3.5 इंचेस पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से 5.5 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे और वहाँ से भी हम एक मोहरी का मार्क लगा लेंगे। वो हमारी जो मोहरी है वो 5 इंचेस है तो हम 5 इंचेस पे मार्क लगा लेंगे। जो हमारे ये सारे डॉट्स हैं हम सबको आपस में मिला लेते हैं। तो हम स्केल लेंगे, हम स्केल की मदद से इसे मिला लेते हैं। जो हमारा राउंड वाला हिस्सा है उस साइड से हम इसे रख कर और इसे भी मिला लेंगे। तो हमारी बाजू की मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं और हम इसका डीप छाट लेते हैं। तो जो हमारा फ्रंट साइड है उस साइड के लिए हम इसे थोड़ा डीप कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। देख सकते हैं बाजू की भी पूरी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमारी प्रिंसेस कट फ्रॉक सूट की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा घेरा है जो कि फुल घेरा फ्रॉक सूट है प्लस प्रिंसेस कट। तो आप घेरा देख सकते हो कितना काफ़ी घेरा हो चुका है फ्रेंड्स। और ये हमारी स्लीव्स है। और ये हमारा बैक साइड बॉडी और हमारी फ्रंट साइड बॉडी जो कि हमारी प्रिंसेस कट वाली है। तो आप देख सकती हो मैंने कितने आसान तरीके से प्रिंसेस कट फ्रॉक सूट फुल घेरे वाले की कटिंग